झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह शाखा की एक बैठक रविवार को बरमसिया एक्साइज डिपो में संपन्न हुई। बैठक में कुल 7 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। यहां बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह कर रहे थे। वहीं बैठक में सचिव विनोद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष आनंद कुमार सिन्हा, भीमदेव राम, शंकर सिन्हा, गोविंद सिंह, रामवचन प्रसाद, अजय सिंह, कारू चौधरी, रामानंद सिंह, चंदन सोलंकी, नरसिंह तिवारी, कैलाश चौधरी समेत अन्य कई गृह रक्षक उपस्थित हुए। बैठक के दौरान समान काम का समान वेतन व नियमित ड्यूटी मिलने पर चर्चा की गई। वहीं विभिन्न निजी प्रतिष्ठानों में निजी सुरक्षा गार्ड को हटाकर गृह रक्षकों को प्रतिनियुक्ति देना, कार्यालय में कुछ दलाल किस्म के लोगों द्वारा गृह रक्षकों का शोषण की कार्रवाई को बंद कराना, संगठन को मजबूत करना और मासिक बैठक के प्रस्ताव को पारित करना आदि मुद्दों पर गहन चर्चा करते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए। बताया गया कि जब तक संगठन सशक्त नहीं होगा तब तक गृह रक्षकों का भला नहीं हो सकता। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 10 महीना से अस्पताल ड्यूटी का बकाया भत्ता भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। 10 माह से अस्पताल ड्यूटी का बकाया भत्ता भुगतान करो, करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिचौलिया गिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा निजी गार्ड को हटाकर होमगार्ड को प्रतिनियुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। निजी प्रतिष्ठानों में होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति करना होगा, करना होगा, करना होगा। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, एक है हम एक है। आवाज दो हम एक है, एक है हम एक। आज झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह का एक आवश्यक बैठक रखा गया है। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है कि गिरिडीह जिले के अंदर जितने भी स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र थे जिसमें 56 गिरक्षक प्रतिनियुक्त थे और उनका 10 माह से भत्ता का भुगतान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ भत्ता भुगतान न करने के पूर्व पोस्ट से भी गिरक्षक को हटा दिया गया है, पोस्ट भी तोड़ दिया गया है। और मई 2019 से फरवरी 2020 तक यानी 10 माह का भत्ता भुगतान नहीं किया गया है और उसके बाद उस अगले माह का भत्ता भुगतान किया जा रहा है, जो सरासर अन्याय है। हम स्वास्थ्य विभाग के सुप्रिंटेंडेंट से और यहाँ के उपायुक्त से आग्रह करते हैं कि गिरक्षक का जो बकाया भत्ता है उसे अति शीघ्र भुगतान किया जाए, क्योंकि कोरोना महाकाल कल में गिरक्षक के साथ काफ़ी भुखमरी है। यह बैठक का प्रमुख उद्देश्य पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि जितने भी जिले के निजी प्रतिष्ठान हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड लगाया गया है, प्राइवेट गार्ड लगाया गया है, उसको हटाकर और वैसे जगह पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाए। उच्चतम न्यायालय का और सरकार का यह पूर्व का आदेश है कि सभी गिरक्षकों को समान काम का समान वेतन और नियमित ड्यूटी दी जाए, इसलिए निजी गार्ड को हटा करके और होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाए। यह भी मांग हम लोग इस बैठक के माध्यम से कर रहे हैं। तीसरा प्रमुख मुद्दा है कि कुछ जिले के गिरक्षक जो फर्जी आवेदन बनाकर किसी दूसरा का नाम से आवेदन देते हैं और गलत गलत आरोप लगाते हैं, वैसे गिरक्षकों का पर्दाफाश कर और उस पर अविलंब कार्रवाई करने का मांग भी हम लोग यहाँ के पुलिस डीएसपी से करेंगे, जो होमगार्ड के भी डीएसपी हैं। चौथा मांग है इस बैठक का उद्देश्य, चौथा जो उद्देश्य है वो ये है कि होमगार्ड कार्यालय में कुछ बिचौलिया किस्म के लोग जो बिचौलिया गिरी कर दलाली कर गिरक्षकों से रिश्वत लेने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं, वैसे लोगों का पहचान कर उसे हटाया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। यह बैठक का भी आज एजेंडा है। और आज के बैठक में हम लोग संगठन मजबूती और कोरोना के चलते मासिक बैठक नहीं कर पाए, इस मासिक बैठक पर भी हम लोग कुछ सहमति बनाए कि आज के बाद से मासिक बैठक हम लोग करेंगे और गिरक्षक का जिस भी तरह का समस्या होगा उस बैठक में जो भी समस्या आएगा उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे।